भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं 2024 के लिए गुरु मंत्र दे दिया है। साफ तौर पर सांसदों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाइए और जनता के साथ संवाद करिए, किसी तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक वाजपेयी जी। सर, पीएम का निर्देश मिला है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं और आगे किस तरीके से जनता के साथ संवाद होने वाला है? देखिए, पीएम का मार्गदर्शन हम सांसदों को और सब पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा मिलता रहता है, उसी के अनुरूप आज भी मार्गदर्शन मिला है। और हमेशा जो हमारी मंगल को बैठकें होती हैं संगठन की, उस संबंध में संगठन से लेकर के और तमाम सारे विषयों पर चर्चा होती है। सांसदों को जनता के साथ कैसे जुड़ कर के रहना है, कैसे उनके बीच काम करना है, ये सब मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। इसमें कोई अलग से नई बात नहीं है, उसी क्रम में इस बार का भी जो है मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है। सर, बूथ मैनेजमेंट की बात हुई है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि बजट को जाकर के समझाइए मध्यम वर्गीय को, गरीब को, कि क्या कुछ उनको इस बजट से मिला है। नहीं, देखिए, बजट जो आपकी प्रस्तुत हुआ है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके हित में बजट में कोई ना कोई काम न किया गया हो। मैं समझता हूँ समाज का, चाहे क्षेत्र का हो और चाहे किसी वर्ग का हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो जिसके हित में काम इस बजट में नहीं, व्यवस्था नहीं की गई। तो इसलिए एक ऐसा सर्वग्राही बजट है और समावेशी बजट है जिसको लेकर के लोगों को जानकारी होनी चाहिए और ख़ासतौर क्षेत्रीयता के आधार पर किन राज्यों में को क्या क्या मिला है या किन क्षेत्रों को क्या क्या मिला है, उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि बजट जो प्रस्तुत हुआ है वो देश की जनता के लिए हुआ है, 140 करोड़ लोगों के लिए हुआ है। तो उनके बीच में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि उनके हित में कौन कौन से प्राविधान या कौन कौन सी कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा। पीएम का गुरु मंत्र किस तरीके से आप लोग के काम आएगा, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र की बात हो चाहे अपने अपने संसदीय क्षेत्र की बात हो, किस तरीके से काम आएगा? देखिए, पीएम जी का गुरु मंत्र क्या है, उनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है कि जनता से हम लोगों को जनता के बीच रहना है, जनता के बीच काम करना है, जनता के सरोकारों से जुड़ना है, चाहे खेल प्रतियोगिता हो या दूसरे ऐसे कार्यक्रम हो जिससे सीधे जनता का संवाद हमसे जुड़ सके और जनता के सुख दुख से हम लोग जुड़ सके, ये हमेशा। और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व बनता है कि अपने जो उनका जो वोटर है या जो क्षेत्र की जनता है उससे उसका सीधा संवाद बना रहना चाहिए, ताकि उसको ये ना कभी लगे कि जनप्रतिनिधि हमारा हमसे दूर है। और कम से कम जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में आम जनता तक जानकारी होनी चाहिए, ये दायित्व तो जनप्रतिनिधियों को बनता है, ये मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो जिस तरीके से संसद में हंगामा हो रहा है, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, आज भी स्थगित करना पड़ा है और चर्चा कर रहा है विपक्ष की, जो है मांग होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए अडानी ग्रुप को लेकर के, कि उसमें सरकारी निवेश का पैसा कितना लगा है। देखिए, जहां तक सवाल है चर्चा का, विपक्ष लगातार चर्चा से भागने का काम कर रहा है। रोज नियमित लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है और उसके बाद ये लोग व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। अगर इनको किसी विषय पर चर्चा करनी है तो सदन में बैठ करके चर्चा होगी, हंगामा में चर्चा नहीं होगी। हंगामा करते हुए इनका उद्देश्य केवल हंगामा करना है और सदन की कार्यवाही को बाधित करना है। विपक्ष कभी किसी विषय पर चर्चा करने के लिए गंभीर नहीं रहा, और ये आज नहीं पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, कि नॉन इशू को इशू बना करके हंगामा करना और उस पर चर्चा न होने देना, सदन की कार्रवाई न चलने देना, यही मात्र उद्देश्य रह गया है विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष की पार्टियों को। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि सरकार को भी इस पर और जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा सबसे बड़े फोरम होते हैं जहां पर हम सार्वजनिक जनता की चीज़ों को 140 करोड़ लोगों के सरोकारों को डिस्कस करते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं या जो अच्छी नीतियां उनका हम, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा न होकर के सदन बाधित होता है। और जिन लोगों को सदन में चर्चा करनी चाहिए वहाँ न चर्चा करके सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं, ऐसे कैसे संसदीय लोकतंत्र के लिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आज पीएम ने गुरु मंत्र दिया है, जाहिर तौर से बात है जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसमें सभी लोगों के लिए सब कुछ ना कुछ रहा है और उनके बीच में जाकर के बजट की चर्चा जरूर होगी। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।